सभी का स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड हार्मोनी द म्यूजिकल इवेंट में। मैं अरूप आपके साथ आज जमशेदपुर के एक नए टैलेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए परिचय कर लेते हमारे आज के टैलेंट मिस्टर संजय स्वर्णकार जी से, जो मुकेश जी के यादें लेके आपके सामने उपस्थित हुए। तो आइए दोस्तों इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हमारे आज के टैलेंट संजय सोनोकर जी के साथ। नमस्कार संजय सोनोकर जी, नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्लोब टीवी हार्मोनी द म्यूजिकल इवनिंग जी। थैंक यू सर, आप सभी का स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड में। नमस्कार, मैं संजय स्वर्णकार फ्रॉम जमशेदपुर गमरिया से। संजय जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप मुकेश जी के एक बहुत बड़ी फैन हैं। इसका राज क्यों है, क्यों दूसरे कोई नहीं है, मुकेश जी ही क्यों? सर, मैं मुकेश साहब का जो गाना है वो उनके गाने बचपन से ही गाता था। यहाँ तक कि इवन स्कूल में जब संगीत के जो एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें मुकेश जी के ही पता नहीं क्यों मैं गाता था। मेरे घर में एक मुकेश साहब की एक मोटी सी किताब थी, वो मेरे पापा के ही थे, तो उस किताब से मैं कुछ कुछ गाने जो है लिख कर स्कूल ले जाया करता था और मुकेश साहब के गाने वहाँ गाता था। बट मुझे नहीं पता था कि वो मुकेश साहब के ही गाने हैं। धीरे धीरे जब मैं जैसे जैसे बड़ा होते चला गया और पहले टीवी पर रंगोली बोल के आता था एक प्रोग्राम, तो उस रंगोली के माध्यम से जब मैं देखता था मुकेश साहब के गाने सुनता था और उस किताब से मैच करता था कि अरे ये गाना तो बस इसमें है, वही गाना तो दे रहा है टीवी पर, तो धीरे धीरे मतलब सर मैं जाना कि ये मुकेश साहब के गाने हैं। तो मुझे मुकेश साहब के गाने गाते 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 कुछ आवाज़ जो है उनसे टैली करते थे। लोग खुद कहते थे कि आपकी आवाज़ जो है मुकेश साहब से काफ़ी मिलते हैं। nice. तो सर मुकेश साहब जो संगीत में आपका पापा का किताब थे बोले आप जी, क्या पापा भी संगीत का? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। क्या आपका तालीम कहाँ से, पापा से हुआ या किसी स्कूल से इंस्टीट्यूट से सीखे हैं? नहीं, कलानिकेतन में सर मैं क्लासिकल करता था पहले। अच्छा। थर्ड ईयर क्लासिकल करने के बाद मैं बहुत सारे सुनने में आया कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। जी सर, आर्ट भी करते हैं जी। फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया है सर। वेरी गुड, बांगिया संगीत परिषद कलकत्ता से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आप क्या, यही आपका प्रोफेशन है या आप कभी उसके साथ भी कुछ करते हैं? मैं टीचर भी हूँ सर, फाइन आर्ट के टीचर। वेरी नाइस। आप कहाँ पे टीचिंग करते हैं? मैं सर चांडिल में टीचर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संजय जी, आज पहला गाना हमारे दर्शकों को आप कौन सा सुनाने जा रहे हैं? पहला गाना मुकेश साहब के बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, चंदन साबदन चंचल चितवन, फिल्म सरस्वती चंद्र से। बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं आज का पहला गाना द म्यूजिकल इवनिंग का फर्स्ट म्यूजिक, सुन लेते हैं संजय जी की से। जी चंदन साबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन साबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन साबदन चंचल चितवन। चंदन सा
तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ तू और न मुझको तरसना। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना। जगवालों मुझे दोष न देना जगवालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। बहुत को बहुत सुंदर आपका आवाज़ में पता ही नहीं चल रहा था कि हम किसकी आवाज़ में आप किसको सुन रहे हैं। मैं मुकेश जी को सुन रहा हूँ या संजय जी को सुन रहा हूँ ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। बहुत सुंदर। जैसे आजकल के जेनरेशन में आप मुझे आपको देख के लग रहा कि आप इस जेनरेशन के ही हैं, लेकिन मुकेश जी का गाना कोई भी नया गाना में आपको इतना ही रुचि है जितना मुकेश जी का? ये इस हमारे दर्शकों को बताइए कि इस जनरेशन को होकर भी मुकेश जी का गाना में इतना लगाव और इतना बारीकी से उनका आप गाना गाएं, उनका संगीत में इतना मुर्की है, उनका एक सुर का अजीब एक अलग ही उनका सुर में अलग ही मिठास है, ये मिठास एक नए जनरेशन में हाउ इट्स पॉसिबल, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बचपन से गा रहा सर मुकेश साहब को, मैं बचपन इन द सेंस आपका कितना साल उम्र होगा आप बचपन से? मुकेश जी तो मेरे पिताजी के ज़माने के थे जी। तो आप हमसे छोटे ही लग रहे हैं। आपका बचपन में तो लाइक मीका तो आ ही गया होगा, दिलेर मेहंदी आ ही गया होगा, कुमार सानू जी आ ही गया होगा, लेकिन मुकेश जी इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक सिंगर है। ही इज वेरी इज गोल्डन सिंगर, इज वेरी फेमस, ही इज लीजेंड, वी कैन से इज लीजेंड। बट आज का जमाना कहो कि और ये लीजेंड का इतना पुराना सॉन्ग लेके इतना प्यार उसमें, हमारे ये समझ में नहीं, ये इसमें क्या राज है? सर मैं जब 8 साल का था यानी 90 समथिंग उस वक्त से ही मैं मुकेश साहब को ज़्यादा मतलब उनके ज़्यादा गाने गाता था। ऐसे तो सभी के गाता हूँ, मुकेश साहब के जो गाने हैं उनके गानों की तरफ मेरा ज़्यादा कुछ खींचा है सर। बहुत खूब बहुत खूब। हमारे जो ये गोल्डन सॉन्ग्स है, हमारे हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई है जो अपकमिंग स्टार्स है वो लोग भी मुकेश जी का गाना, किशोर जी का गाना, मन्ना दे जी का गाना, ये गाने को भी अपने रियाज में लाए, अपने प्रोग्राम में शामिल करें, ताकि हमारे जो इंडियन संगीत का जो परंपरा है ये कायम रहे। हमारे ठीक है आप वेस्टर्न गाइए, आप रैप कीजिए, पर इसका जो मिठास है जी। एक समाज जो बांध देते हैं आज हमारे पापा से लेके हमारे जो अगले पहले जनरेशन लाइक हमारे पापा का जो जनरेशन है लेके हमारे जो हम लोग और हमारे बच्चे भी ये गाना सुन के बोल नहीं सकता कि कहीं पे काट नहीं सकता कि इनका सुर में इतना मिठास है, इसका बोल में इतना दम है। और आज के डेट में तो आप ही देख ही रहे होंगे कि सिंगिंग का बोल क्या है और क्या उसका लिरिक्स है और ऑटोट्यून का तो अच्छा कमाल आज का हो ही रहा है। सो हम चाहेंगे और एक सॉन्ग जो हमारे दर्शकों को आप सुनाइए मुकेश जी का, लाइए सुन लेते हैं आज का सेकंड सॉन्ग हमारे संजय जी से। कहीं
कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे तब यूं ही आंखें कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए नजर ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते है मीठी उलझन तेरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पराए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए खिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे ये मेरे सपने यही तो है अपने मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए
आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका गायकी में इतना दम है, मतलब लग ही रहा है कि आप क्लासिकल बेस से हो और क्लासिकल सीखे हो। जो आपका आपका गीत में जो पकड़ है, आपका जो इतना सुंदर मेलोडी को आप मेंटेन करके टेम्पो में इतना बढ़िया पकड़ है आपका, रियली हमें इतना अच्छा लग रहा है कि एक यंगस्टर वेस्टर्न छोड़ के हमारे जो संस्कृति, हमारे जो गोल्डन सॉन्ग्स इतना बारीकी से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे दर्शक को भी अचंभित होंगे कि एक यंगस्टर मुकेश का गाना इतना बारीकी से गा रहे, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्लोब टीवी झारखंड में हारमोनी कार्यक्रम में आप जैसे आर्टिस्ट को हमारे साथ हमने पाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त जाया ना करते हुए अगले गाना की तरफ हम लोग जाए, हमारे दर्शकों को नेक्स्ट गाना सुनाए। आइए सुन लेते हैं हम लोग अगला गाना। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम तो आवाज दो, हम है वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा की जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा की जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने कह रूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं, नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
संजय जी, जब मुकेश जी का गाना आप गा ही रहे हैं, हमारे दर्शकों को मेरा नाम जोकर का, जो मेरा सबसे प्यारा पिक्चर है, मैं उस पिक्चर को देखते हुए रो पे रहे थे, राज कपूर जी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है, हम मेरा नॉलेज में जितना मैं जानता हूँ, मुंबई को बॉलीवुड की तरफ ले जाने का मेन श्रेय जाता है राज कपूर जी से, क्योंकि उनका जो फिल्म का कलेक्शन थे, जिस टाइप का वेस्टर्न कल्चर मूवी को दिए हैं, ये राज कपूर जी का श्रेय जाता है। और मेरा नाम जोकर का सबसे बड़ा चीज़ है, जो ये पिक्चर रिलीज हुआ था उस समय का ये फ्लॉप पिक्चर था, लेकिन राज कपूर जी जब देहांत हो गए उनके बाद ये पिक्चर सुपर डुपर हिट, इतना चला पिक्चर, इतना मार्केटिंग हुआ इसका कि आप, मैंने हम उस समय जब हम लोग पापा से सुनते थे, हमने घर में हम लोग सभी, मेरे पापा भी आर्टिस्ट थे, हम लोग का ब्रोतोचारी सिखाते थे, तो उस समय क्या हुआ ना कि पापा फिल्म के बारे में हम लोग पापा से बात करते रहते, तो ये पापा ही बताए थे कि ये पिक्चर राज कपूर जी का देहांत के बाद ये सुपर डुपर हिट हुआ। तो मैं चाहूँगा कि इस पिक्चर का एक गाना सुनाए, और वो भी जो मेरा सबसे पसंदीदा है, ऐसे तो इस पिक्चर में सभी सॉन्ग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही हिट है, जीना यहाँ मरना यहाँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए आप। तौबाए मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबाए मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमान हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबाए मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबाए मत वाली चाल सितम ये अदाओं की रानाइयाँ है, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ है, कयामत है क्या तेरी पंगड़ाइयाँ है, बाहर दमन हो घटा हो धनक हो, बाहर दमन हो घटा हो धनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ हो, के तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबाए मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबाए मत वाली चाल यही दिल में है तेरे नज़दीक आके, यही दिल में है तेरे नज़दीक आके, मिलूं तेरी पलकों पे पल के झुका के, जो तुझसा हंसी सामने हो
तो कैसे जो तुझ सा हसी सामने हो तो कैसे चला जाऊं पहलू में दिल को बचा के मेरी ऐसी मजाल कहां तो पाए मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे से रंगे जमान हसीना तेरी मिसाल कहां तो पाए मत वाली चाल मैं भी दीवानों का एक शहजादा हूँ मैं भी दीवानों का एक शहजादा तुझे देख कर हो गया कुछ ज्यादा खुदा के लिए मत बुरा मान जाना खुदा के लिए मत बुरा मान जाना ये लब छू लिए हैं यूं ही बेइरादा नशे में इतना ख्याल कहां तो पाए मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज कर मांगे से रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहां तो पाए मत वाली चाल बहुत सुंदर कि मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे तारीफ़ करूं मैं आपको। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे अच्छा लगा संजय जी का परफॉर्मेंस। जैसे उनका वॉइस क्वालिटी है लग रहा है कि हम मुकेश जी को अपने साथ अपने बीच पाए हैं। बहुत खुश हो रहे हैं मेरे दिल से, मैं इतना खुश हूँ कि मुकेश जी के इस सॉन्ग को हमारे न्यू जनरेशन इस तरह से परफॉर्म किए, इस तरह से हमने उनको सुने जैसे लग रहे मुकेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्लोब टीवी झारखंड उन सभी कलाकार को आपके सामने उपस्थित करेंगे जिनके अंदर में एक अलग टैलेंट है। आप देख ही लिए हैं कि आज के दिन में हमारे न्यू जनरेशन के स्टार भी मुकेश जी के आवाज़ बखूबी निकाल रहे हैं, बखूबी उनका सॉन्ग को परफॉर्म कर रहे हैं आपके सामने। मेरा नॉलेज में ये एक आश्चर्य है कि आज भी मुकेश जी हमारे बीच जिंदा है, उनका सुरेली आवाज़ उनके गीत से हम अभी भी उनको याद कर रहे हैं। मुकेश जी का आवाज़ एक गोल्डन साउंड होकर हमारे के बीच रह गए हैं जिसे हम लोग कभी नहीं भूल सकते। जितना जैसे गोल्ड का प्राइस डे बाई डे इंक्रीज हो रहा, उनका गाने का चाहत उनका क्रेज डे बाय डे हमारे मन में और बढ़ते जा रहे हैं। संजय जी, हमें पता चला है किसी के माध्यम से कि आप एक बहुत बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, इज दिस ट्रू? यस, वेरी नाइस। तो हमारे दर्शक तो आपके गाना सुन ही चुके हैं, मोहित हो ही चुके हैं, हमारे दर्शक को थोड़ा सा मिमिक्री भी आप सुना दीजिए तो हमारे शाम और रंगीन हो जाए। तो आप किसका सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अब थोड़ा सा बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बॉलीवुड कलाकारों के नाम आप बोलते जाइए। मैं अच्छा, कितने तरह का आवाज़ में कितने जन का मैंने मिमिक्री कितने आर्टिस्ट का आप कर सकते हैं? मैं कभी मतलब काउंट नहीं किए हैं बट 50। वाह, 50 यानी 50 कलाकार का आवाज़ मिमिक्री करके सुना सकते हैं। इट्स अ ग्रेट टैलेंट, रियली इट्स अ वेरी ग्रेट टैलेंट। हमारे दर्शकों को एक आप अक्षय कुमार जी का सुना दीजिए। अरे क्या बात है, मैं जानता था आप पहले अक्षय कुमार के बोलोगे क्योंकि मैं अक्षय जैसा दिखता हूँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, क्यों दोस्तों, है कि नहीं? वेरी गुड, रियली ये अक्षय कुमार जैसा दिखते भी है, एकदम थोड़ा सा टाइट अक्षय कुमार जैसा है। वेरी नाइस। और नेक्स्ट आप मेरा जो गुरु है, मैं जिसे
मैं रॉयल बेंगल टाइगर बोलता हूँ, वो मिथुन दा का थोड़ा सा आवाज आप सुना दीजिए। अरे क्या बात, अरे मिथुन का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं सबसे बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्लोब टीवी है इसके माध्यम से जो आज मैं यहाँ आया हूँ इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने मन से और दो आर्टिस्ट का अगर सुना दे, राज कपूर जी का ही सुना दीजिए आप। आज हम लोग का राज कपूर जी का जब दौर चल रहा है, उनका फिल्म का गाना सुन रहे थे, राज कपूर जी का एक सुना दीजिए। ए भैया मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। जब मुकेश साहब यहाँ से चले गए तो यूं लगा जैसे मेरे गले से आवाज चला गया, इसलिए मैं मुकेश साहब को बहुत याद करता हूँ। जी हाँ, हाँ जी। वाह वाह वाह। सो दोस्तों, आज आप लोग से इजाजत लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे एक नया टैलेंट, एक नया कलाकार के साथ। इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।